आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव मल्हूपुरा हरदो डांडी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर और ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। 2200 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर जफर खान ने अपने हाथों में संभाल रखी है। बताते चलें कि जफर खान कई बार से गांव के प्रधान रहे हैं। 4 वर्ष में किस किस तरह से इन्होंने इस गांव को सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के मल्हूपुरा हरदो डांडी गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया गया है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है साहब। यहाँ पर 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में किए हैं? मैंने नाली बनाई, सीसी टाइल लगवाई, मैंने शौचालय बनवाए, मैंने साहब ये जो होते हैं इनके आवास बनवाए, और साहब मैं इसी उसमें लगवा हूँ कि मेरा गांव सुधर जाए। और कितने आवास यहाँ बने हुए हैं? हमारे अब इस वक्त फिलहाल में तो 9 बने। कितने शौचालय से? शौचालय बन गए मेरे यहाँ 209 के आसपास। जी, यहाँ जो है आंगनबाड़ी के सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जी इनका लाभ यहाँ पर सभी को मिल पा रहा है? सभी को मिल रहा है। बिजली कनेक्शन सबके हो गए और फ्री कनेक्शन हो गए और गैस के चूल्हे बहुत बचे हैं मेरे। किसानों के खाते में सम्मान निधि, किसानों के खाते में जो 6000 रुपए आने हैं वो 2-2 किस्तें आ गई हैं, एक किस्त रह गई है। बाकी जिन लोगों के नहीं मिले हैं उनका भी प्रयास ये कर रहे हैं कि सबको मिल जाए। सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट इस वक्त फिलहाल नहीं लगी है, पिछले पीरियड में लगी। यहाँ पर आप जो है 3 साल से मतलब 3 बार से लगातार प्रधान पद पर यहाँ बीच में तो जनता ने आपको फिर से एक बार चुना है आपके पिछले कार्यों को देखते हुए। बिल्कुल जी। तो इसमें ऐसी क्या खास बात आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे, कोई खास ऐसा बीच में जो विकास कार्य जो यहाँ ना कराया गया हो आपने कराया जिसके लिए जनता ने आपको फिर से चुना? देखो साहब, मैं जब वो प्रधान नहीं था तब भी मैंने आंगन वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, और साहब मैंने मस्जिद में मंदिर में टंकी रखवाई, और साहब अब मैं बना प्रधान फिलहाल इस पीरियड में तो मैंने शमशान घाट बनवाया बहुत बड़ा। तो मैं मुझे जो लोगों ने प्यार दिया वो इस नाते दिया कि प्रधान जी प्रधान ना होते हुए भी आपने यहाँ जनता को, गांव की जनता को काफी सेवाएं अपनी दी हैं, इसलिए जनता ने आपको फिर से प्रधान पद पर यहाँ पर चुना। जी। सरकारी बिल्डिंग में से यहाँ जो है बारात घर है? बारात घर नहीं है, बारात घर का अप्लाई कर रहा है। बारात घर पंचायत घर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान भी है स्कूल में, बहुत बड़ा बढ़िया स्कूल करा दिया मैंने, अस्पताल उपकेंद्र भी है मेरे यहाँ, डॉक्टर बैठते हैं, सब दवाई वगैरह मिल जाती है? नहीं, बुध के दिन एनम सिर्फ हफ्ते में एक दिन। हाँ, तो इस बीच यहाँ लोगों को जो है परेशानी पड़ती है। अब मैंने प्रयास कराया कि डॉक्टर रोज बैठने, मैंने करा है प्रयास, इसके लिए कोशिश की है इसके लिए, और पानी की टंकी के लिए भी मैंने बहुत कोशिश की है, ओवरहेड टैंक बनवाने के लिए। जी, मेरे गांव का पानी खराब हो चुका है जिसलिए मैं उसमें काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा और हमारे योगी जी ने चाहा तो इंशाल्लाह बन जाएगी। जी जरूर। अपने गांव को अब और सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? सरकार से ये रखना चाहता हूँ कि मेरे गांव में पानी की टंकी बन जाए बड़ी वाली, जिससे और बड़ा स्कूल बन जाए लड़कियों का, इंटर कॉलेज, जिससे मेरे गांव की सुविधा सही हो जाए, बड़ा घर बन जाए मेरे गाँव यहाँ, जो किसी भी गाँव वालों को कोई परेशानी ना पड़े। मैं चाहता हूँ सरकार से कि मेरी मदद करें, और सरकार जो काम कर रही है उनसे आप संतुष्ट हैं? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है साहब, हम तो संतुष्ट हैं, गांव की बदमाशी बिल्कुल खत्म हो गई जी, और साहब पेंशनें भी दे रहे हैं हमारे गांव वालों को। क्या यहाँ पर पहले चोरी चकारी या बदमाशी गुंडागर्दी ये सब हुआ करती थी? पहले तो साहब क्षेत्र में जब योगी जी नहीं थे तो उससे पहले तो सभी कुछ आपका मानना है कि सरकार के आने के बाद में समाज में ये बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव है, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं, बहुत कम हो गया साहब, अब बहुत सुकून से हर आदमी। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा गाँव में करवाया गया है, जैसे कि सीसी कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण,
अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद है, आवास भी यहाँ लोगों को बनवाए गए हैं और शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा अपने स्तर पर भी कराया गया है। 3 बार लगातार प्रधान नहीं बने, बीच में 1 बार इनका गैप हो गया, कोई और प्रधान बने, लेकिन प्रधान पद पर कार्यरत ना होते हुए भी इन्होंने लोगों को यहाँ अपनी पूरी सेवाएं प्रदान की है, जिसकी वजह से गांव की जनता ने इन्होंने फिर जनता ने इन्हें फिर से प्रधान पद पर नियुक्त किया, चुना है। तो अब अगर यहाँ की समस्याओं की तरफ हम नज़र करते हैं तो यहाँ जो प्रमुख समस्या दिखाई देती है और बताई गई है प्रधान द्वारा, यहाँ बारात घर को लेकर ये मांग रखते हैं, यहाँ पर एक बारात घर होना चाहिए और उप स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ मौजूद है उसमें डॉक्टर केवल हफ्ते में 1 दिन रहते हैं। इनका कहना है कि सरकार इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स को पूरे हफ्ते रोजाना यहाँ डॉक्टर नियुक्त करें ताकि यहाँ की जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।